X9 लाइफ देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे एक बार फिर से एक्ट्रेस राखी सावंत की। राखी सावंत अब अपने पति आदिल दुलारी को बिल्कुल भी बख्शने वाली नहीं है। राखी का दिल तोड़ना, उन पर हाथ उठाना, उन्हें धोखा देना आदिल दुलारी को अब बहुत ज्यादा महंगा पड़ने वाला है। बता दें कि कल आदिल को कोर्ट में पेश किया गया था, जमानत देने से कोर्ट पहले ही इनकार कर चुका है। इसके बाद आदिल के वकील की ओर से एक पिटीशन दाखिल की गई थी जिसमें आदिल के वकील ने जुडिशियल कस्टडी की मांग की थी और आज राखी अब कोर्ट पहुंच चुकी है और उन्होंने ये मांग की है कि आदिल दुलारी को जुडिशियल कस्टडी नहीं बल्कि पुलिस कस्टडी में रखा जाए। राखी साफ तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि उसने मुझे धोखा दिया है, मेरे पैसे मेरे गहने उसके पास है, ऐसे में आदिल को पुलिस कस्टडी में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वो कुछ भी कर सकता है, गुमराह भी कर सकता है। राखी जो है वो बुरी तरह से टूट चुकी है लेकिन आदिल को माफ करने की वो बिल्कुल भी यहां पर कह सकते हैं कि मूड में नजर नहीं आ रही है। राखी ने आदिल की पुलिस रिमांड को लेकर, पुलिस कस्टडी को लेकर क्या कुछ कहा है उसके लिए पहले ये वीडियो देख लीजिए। यार हियरिंग है, क्या पेमेंट हियरिंग है, पुलिस कस्टडी बहुत जरूरी है, मेरे पैसे गए हैं, मेरे जेवर गए, तो उसके लिए यू नो 2.5 करोड़ का मामला है मेरा। कस्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, पुलिस कस्टडी इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि पूछताछ में सब पता चलना चाहिए ना, वरना ऐसे तो बेल लेके चले जाएंगे तो कैसे होगा। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि पुलिस कस्टडी में पूछताछ होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेशन बाकी तो हुआ नहीं। तो देखा आपने, अब तक मीडिया के सामने आकर अपना दुखड़ा रोने वाली रोती बिलखती राखी आज कितने कॉन्फिडेंस के साथ कम लफ्जों में ये कहती हुई नजर आ रही है कि आदिल को पुलिस कस्टडी में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके पास मेरे पैसे हैं, मेरे गहने हैं, ऐसे में उसे पुलिस कस्टडी में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे पहले राखी ने आदिल दुलारी को जमानत ना देने की गुहार कोर्ट से लगाई और अब पुलिस रिमांड की मांग। साथ ही राखी ये भी कह रही है कि वो आदिल दुलारी को कभी भी डायवोर्स नहीं देंगी। तो साफ तौर पर देखा जा रहा है कि राखी का दिल तोड़ने के बाद आदिल को लेकर अब राखी इतनी ज्यादा हार्श हो गई है कि वो आदिल को माफ नहीं करना चाहती और साथ ही वो ये भी चाहती है कि आदिल को कड़ी से कड़ी सजा यहां पर मिले। और अब देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार पुलिस रिमांड को लेकर के कोर्ट अपना क्या फैसला सुनाता है। फिलहाल के लिए इस खास खबर पर इतना ही, बाकी ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइफ। नमस्कार।